कल कल झरना सुर सुर हवा ठंडो मीठो पानी हो धन्य धन्य छायो मेरी देवभूमि उत्तराखंड कुनी हो। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ठीक चुनाव से पहले उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। सोशल मीडिया पर तो इस मुद्दे पर मुहिम भी शुरू हो गई है। आम लोगों से लेकर उत्तराखंड के नामी लोग भी इस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात कह रहे हैं। बीजेपी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो चुनाव से पहले एक सख्त भू कानून लागू करे। इस कानून की वकालत करने वाले लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उत्तराखंड में भू कानून लागू नहीं किया गया तो भविष्य में उत्तराखंड की स्थिति भी कश्मीर की तरह हो जाएगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देवभूमि के निवासियों को आज भू कानून की जरूरत क्यों महसूस होने लगी। दरअसल उत्तराखंड जैसे छोटे और पहाड़ी राज्य में फिलहाल कोई भी सख्त भू कानून लागू नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ आकर कोई भी कितनी भी जमीन अपने नाम से खरीद सकता है। पहाड़ी राज्यों में सस्ते दामों पर जमीन खरीदकर उसे बाहरी लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के दिनों में उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोगों द्वारा जमीन खरीदने की संख्या में काफी इजाफा देखा गया है। अब ये लोग ग्रामीण इलाकों में भी जमीन खरीद रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि ऐसा ही होता रहा तो पहाड़ की संस्कृति और इसके सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा पैदा हो सकता है। लोगों को ये डर भी है कि अगर इसका असर राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ा तो उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि उत्तराखंड के लोग सतर्क हो जाएं और भू कानून की मांग को अंजाम तक पहुंचाएं। लोगों का कहना है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल और पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह कृषि भूमि की खरीद फरोख्त के कड़े नियम लागू किए जाएं। पहाड़ की जमीनों को बचाना है तो यहां अनिवार्य रूप से चकबंदी कानून लागू करना पड़ेगा। पूरे मामले को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वर्तमान में क्या हालात हैं और मौजूदा कानून क्या कहता है। उत्तराखंड बनने के बाद राज्य में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू किया गया। इसके बाद यहाँ इस कानून में समय समय पर संशोधन भी हुए। उत्तराखंड में साल 2002 में बाहरी लोगों के लिए भूमि खरीद की सीमा 500 वर्ग मीटर की गई। 2007 में भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इसे घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अध्यादेश लाकर इस कानून को लगभग पूरी तरह से खत्म करने का काम किया। यानी उत्तराखंड में जमीन खरीदने की सीमा को ही खत्म कर दिया गया। साल 2018 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित हुआ, जिसे पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खरीद की सीमा को औद्योगिक प्रयोजन के लिए पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब बाहरी लोगों ने राज्य में निवेश के नाम पर बेतहाशा जमीनें खरीदने शुरू कर दी। अब चुनाव करीब है तो इस मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को लपक ही लिया है। उसका कहना है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम पहले साल में हिमाचल प्रदेश के भू कानून से भी बेहतर कानून बनाकर राज्य में लागू करेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस मांग के समर्थन में ट्वीट किया है कि हमारी देवभूमि में भूमिया देवता का महत्व आज का नहीं प्राचीन काल का है। भूमिया देवता ने ही आज तक हमारी भूमि, हमारा परिवार, गाँव, हमारी कला और संस्कृति को संरक्षित रखा। आज उन्ही भूमिया देवता का आह्वान कर हमें उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को बचाना है। आम आदमी पार्टी भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है, लिहाजा वो भी इस मांग का समर्थन कर रही है। वहीं बीजेपी सरकार एंटी इनकम्बेंसी के चलते पूरी तरह से दबाव में है। उसे इस बात का डर है कि कहीं ये मुद्दा उसके लिए इस बार हार की वजह न बन जाए। उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ टकटकी भरी निगाहों से देख रही है। एक तो चुनाव की मार, दूसरा भू कानून की पुकार। अब देखना ये है कि क्या करती है पुष्कर धामी की सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज़।